हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स की। इसके हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। आइए शुरू करते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स जो है वो एक जनरलाइज्ड मेथड है, एक जनरल मेथड है जिसके द्वारा हम ये तो नहीं पता कर पाते कि हमारे सॉल्यूशन में, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कोई कौन सा मेटल है, या लेकिन ये तो ज़रूर पता चल जाता है कि कौन सा कोई अगर मेटालिक इम्प्योरिटी है, सॉरी कोई भी मेटालिक इम्प्योरिटी है तो वो हम इस टेस्ट के द्वारा पकड़ सकते हैं कि वो लिमिट में है या नहीं है। लेकिन ये हम नहीं बता पाते कि कौन सा मेटल जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट है। तो बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं जो कि इस टेस्ट को रिस्पॉन्स करते हैं, जिसमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे कि कोबाल्ट है, टिन है, मैगनीज है, बिस्मथ है, लेड है, एंटीमनी है, सिल्वर है, आपका आर्सेनिक है, बिस्मथ है, कॉपर है, बहुत सारे हैं, कैडमियम है, बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि इस टेस्ट के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। और हम इनको अगर चेक कर सकते हैं क्या ये हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, अगर है तो लिमिट में है या नहीं है। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा एक प्रिंसिपल है, जहाँ पर अगर आप इसको देखिए तो मैंने लिख भी रखा है, लिमिट टेस्ट फॉर आर हैवी मेटल्स इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटालिक इम्प्योरिटीज विथ हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम टू प्रोड्यूस मेटल सल्फाइड। इसका मतलब कि अगर आप लोग को आपके सॉल्यूशन के अंदर कोई मेटालिक इम्प्योरिटी है तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S या सोडियम सल्फाइड Na2S के साथ रिएक्ट करती है, कहाँ पर, एसिडिक मीडियम में, और प्रोड्यूस करती है क्या, मेटल सल्फाइड। अगर मेटालिक इम्प्योरिटी है तो ये मेटल सल्फाइड के साथ जोड़ करके क्या बनाएंगे, मेटल सल्फाइड्स बनाएंगे, जो कि ब्राउन कलर का कलर देता है या प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है, यानी कि पूरे सॉल्यूशन को वो क्या कर देता है, ब्राउन कलर का कर देता है। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे कि कौन सा स्पेसिफिक, जैसे हम स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे तो हम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, जैसे आयरन में आयरन का ले लिया, आर्सेनिक में आर्सेनिक का ले लिया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा मेटल हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा, लेड का सॉल्यूशन। तो हम लेड एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे या लेड से ही कंपेयर करेंगे कि वहाँ पर कितना जो हमारा मेटल है, हैवी मेटल है, वो लिमिट में है या नहीं है। तो आइए बात करते हैं अब हम हैवी मेटल्स के इस प्रिंसिपल को, जो भी हमने लिखा है इसको थोड़ा सा रिएक्शन के फॉर्म में। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी हैवी मेटल्स होगा तो वो H2S के साथ या Na2S के साथ रिएक्ट करेगा और एसिडिक मीडियम में, और हमको क्या देगा, हैवी मेटल सल्फाइड्स के हैवी मेटल देगा जो कि ब्राउन कलर प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हैवी मेटल्स। लेकिन अगर देखें तो H2S या Na2S जो हम कह रहे हैं बार बार, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड हम यूज़ करते हैं एज पर फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में चार मेथड्स हैं जनरली, वैसे तो तीन ही है लेकिन फिर भी चार मेथड हम इनको कह सकते हैं, चार मेथड्स हैं। ये चार मेथड्स जो हैं, मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी और मेथड डी के नाम से ही हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड अगर आपको यूज़ करना है तो मेथड ए और मेथड बी में यूज़ करेंगे आप, और सोडियम सल्फाइड जो है वो मेथड सी और मेथड डी में यूज़ करता है। एक जनरल सा देख लें, जल्दी से एक देख लें कि मेथड, ये सारे मेथड कब हम लोग परफॉर्म करते हैं। मेथड ए हम उस सब्सटेंस के लिए परफॉर्म करते हैं जो कि एक क्लियर कलरलेस, क्लियर और कलरलेस सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस विच आर गिवन इन द मोनोग्राफ। जो फार्माकोपिया के मोनोग्राफ हैं किसी भी एक्स वाई जेड कंपाउंड के लिए कि उसका सॉल्यूशन हम कैसे तैयार करेंगे, उस स्पेसिफिक कंडीशन में अगर हमारा सब्सटेंस क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन देता है, यानी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा, कोई कलर नहीं बन रहा, तो हम लोग मेथड ए जो है वो परफॉर्म करेंगे। मेथड बी और मेथड ए में हम क्या लेते हैं, हम मेथड ए में रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। मेथड बी सेम इसी का उल्टा हो जाएगा मेथड ए का, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन नहीं देता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन जैसा कि मोनोग्राफ में दिया हुआ है, हम उसका एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं जैसा कि मोनोग्राफ ने हमको बताया गया फार्माकोपिया में कि हम इसका सॉल्यूशन इस तरीके से तैयार करेंगे, और अगर वो क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन नहीं देता है, कोई प्रेसिपिटेट आ रहा है या कोई कलर प्रोड्यूस हो जा रहा है, तो हम मेथड बी लेकर के चलेंगे, और मेथड बी में भी जो है हम क्या यूज़ करेंगे, H2S ही यूज़ करेंगे। मेथड सी उन सब्सटेंस के लिए किया जाता है जो कि क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन देते हैं जब हम उनका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, किसमें, हाइड्रोजन सॉरी सोडियम सल्फाइड में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगर हम लेंगे और उसमें अपने सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे और वो क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन दे देता है, तो हम मेथड सी यूज़ करते हैं। और अगर इसी का जस्ट उल्टा हो जाए कि हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड में के सॉल्यूशन में अगर हम अपने सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं और वो क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन नहीं देता है, तो हम मेथड
डी तैयार करते हैं। तो इसमें जो याद करने वाली बात यह है, इसके मेथड चार मेथड हैं, बहुत ही आसान से आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन जो बहुत ही सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि हैवी मेटल्स हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में हैवी मेटल्स के सल्फाइड्स बनाते हैं जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, सोल्यूशन का ब्राउन कलर आता है, और ये ब्राउन कलर अगर आ रहा है इसका मतलब कि हैवी मेटल्स वहाँ पर प्रेजेंट है। स्टैंडर्ड हम लोग लेंगे लेड का, लेड के जो भी ब्राउन कलर प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन के रूप में रखे रहेंगे, और हमारे सैंपल के साथ हम इसको परफॉर्म करेंगे। जो ब्राउन कलर प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो स्टैंडर्ड के ब्राउन कलर की इंटेंसिटी से कम है तो सैंपल हमारा पास हो जाएगा, अगर सैंपल में प्रोड्यूस ब्राउन कलर जो है उसकी इंटेंसिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो हमारा सैंपल जो होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही छोटा सा हमारा एक हैवी मेटल का एक लिमिट टेस्ट है जो कि इसका सिंपल सा एक प्रिंसिपल है। होप है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं या कोई कमेंट है आपके, तो उसको जब कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।